तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक Realme का फ़ोन है, तो इस फ़ोन में पासवर्ड लॉक लग गया है। तो इस पासवर्ड को किस तरह से रीसेट करना है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉडल नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस कोड आपको डायल करना है। ओके, उसके बाद सॉफ्टवेयर वर्जन में जाके इसका मॉडल वगैरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका है इसका मॉडल नंबर चेक करने का, तो आप यहाँ पर अगर आप बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ से हम कैमरे को यहाँ से स्लाइड राइट करेंगे, तो एक कैमरे को आपको खींच लेना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डिटेल्स में जाना है। तो इसका मॉडल नंबर आपको दिखाएगा, देख सकते हैं Realme 3C3 है। तो ये नया मॉडल है, तो इस फ़ोन का पासवर्ड या फिर जो भी बोलते हैं फिंगर लॉक, फिंगर तो इसमें नहीं है। अगर आपका Realme का कोई भी फ़ोन है उसमें फिंगर लॉक आया है या फिर कोई दूसरा कोई लॉक आया है, तो यहाँ पर अगर आपको पता नहीं कैसे इसे अनलॉक कर रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ किस तरह से इसको करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है इस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, इसका जीमेल आईडी अगर आपको पता है तो आप इसको जो है घर में कर सकते, तो उसको बाद में आपको बताता हूँ। फिलहाल आपको क्या करना है, तो दोस्तों अगर आपका इसका बिल वगैरह है तो आप इसको केयर में लेके जाइए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आराम से ये फ़ोन करके दे देगा। ओके, अदरवाइज़ अगर आप इसको ऑफलाइन कराते हैं तो फ़ोन का वारंटी ख़त्म हो जाएगा। इसको जो है EMT या फिर UFI बॉक्स या फिर MRT से इसको करते हैं, तो यहाँ पे आपको जंपर वगैरह करना पड़ता है, फ़ोन को खोलना पड़ता है, इसमें वारंटी आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये अगर एक्सपर्ट है जिसको कर सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको मत ही कीजिए, मैं आपको बोलूँगा इसको आप जो है ऑनलाइन कीजिए या फिर ऑफलाइन करिए, ठीक है। पैसा आपका ज़्यादा लगे तो सही है। अगर आपके पास Realme का कोई फ़ोन नहीं है या फिर आपके पास ओप्पो का फ़ोन है, तो अभी ओप्पो का फ़ोन फिलहाल अभी बंद आ रहा है, ठीक है। ऑफलाइन जो है करना होता है आपको, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता है ओप्पो का फ़ोन अभी फ़िलहाल। अगर आप केयर में ले जाते हैं वो बात अलग है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया, Realme या फिर ओप्पो का कोई फ़ोन आए तो कैसे इसको करना है। दोस्तों अगर आप जीमेल आईडी से कैसे बाईपास करना चाहते हैं वो वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स।